अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनदीप। रुक करेंगे खबरों की और उत्तराखंड में चुनाव प्रचार शनिवार शाम को थम गया और सभी 70 सीटों पर 81 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग सोमवार को करेंगे। यहां 632 उम्मीदवार मैदान में हैं। इन सभी की किस्मत 14 फरवरी को ईवीएम में कैद हो जाएगी। प्रमुख मुकाबला भाजपा कांग्रेस और आपके बीच में है। भाजपा कांग्रेस समेत सभी दल और साथी प्रत्याशियों ने अंतिम दाव चलने के साथ ही ताकत झोंक दी है। उन्होंने घर घर दस्तक का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। उनका प्रयास है कि रविवार को अधिकाधिक मतदाताओं द्वारा वोट किए जाएं और इसी हिसाब से सभी ने रणनीति भी बना ली है और साथ ही सभी राजनीतिक दलों की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि जनता को अपने पक्ष में किया जाए। उत्तराखंड के 14 फरवरी को मतदान होना है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सब लोग 100% मतदान के लिए आए। सुबह सबको सबसे पहले मतदान करना है और फिर जलपान करना है। इसी के साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विपक्ष की हमसे कोई टक्कर नहीं है। विपक्षी लोग अपने अंदर कलह में आपस में ही टकरा रहे हैं। अपनी पार्टी के अंदर ही उनकी टक्कर चल रही है। सभी से कहूंगा कि सभी लोग एक तो 100% मतदान के लिए आएं और मतदान बहुत ज़रूरी काम है और सबको अपने जानने वालों को पहचानने वालों को सभी मतदान के लिए लाना है। प्रातःकाल सबसे पहले सबको मतदान करना है, उसके बाद जलपान करना है। ऐसी सरकार चुननी है जो सरकार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ चले, जो सरकार उत्तराखंड को आगे बढ़ाने वाली सरकार हो, जो उत्तराखंड का विकास करने वाली सरकार हो, ऐसी सरकार जो केंद्र की सरकार के साथ कदम ताल करे, यानी कि उत्तराखंड की योजनाओं को आगे बढ़ाए, और ऐसी सरकार चुनने का जो है सभी को राइट है। सभी लोगों को आगे आकर अब चूंकि ये 5 वर्ष में आने वाला महायज्ञ है, सभी को इसमें भाग लेना चाहिए। चमोली में रविवार को विधानसभा बद्रीनाथ की 192, थराली की 182 और कर्णप्रयाग की 160 पोलिंग पार्टियां मतदान सामग्री और सुरक्षा कर्मियों के साथ रवाना हुई। जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना ने पोलिंग पार्टियों को निर्वाचन संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। पोलिंग पार्टियों द्वारा मतदान केंद्रों पर रवाना करने से पहले उन्हें कोविड के प्रभावी रोकथाम व सतर्कता हेतु कोविड किट और साथ ही मास्क, पीपीई किट और ग्लव्स, सैनिटाइजर इत्यादि भी दिए गए। हमारे 3 विधानसभाएं हैं, तो कर्णप्रयाग और थराली हमारे स्पोर्ट्स स्टेडियम से रवाना हो रही हैं और बद्रीनाथ हमारे पुलिस लाइन के ग्राउंड से। टोटल हमारी कल 34 पार्टियां जो दूरस्थ क्षेत्र वाली थी वो रवाना हो गई थी। आज 534 पार्टियां जो रिमेनिंग है वो कुछ ही देर में सारी पार्टियां अपने गंतव्य स्थान के लिए रवाना होंगी। और सब हमने यहाँ पर सभी के लिए एक ऑन डिमांड ट्रेनिंग व्यवस्था भी करी है। अगर किसी की ट्रेनिंग अगर मिस हो गई है तो यहाँ पर ईवीएम में भी पैट की ट्रेनिंग ले सकता है और जो हल्का नाश्ता है उसकी व्यवस्था भी की गई है। अभी सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने जो पोलिंग पार्टी थे उनको लेकर फिर हम शाम तक हमारी सारी पोलिंग पार्टी समस्त 3 विधानसभा क्षेत्र में अपने गंतव्य स्थान को पहुँचेंगे। देखिए, कल हमारी जो है 34 पोलिंग पार्टी रवाना हो गई, वो अपने गंतव्य में पहुंच चुकी है। आज लगभग हमारी 534 पोलिंग पार्टी जो है रवाना हो रही है। 4 कंपनी जो है ITBP वो तैनात की गई है। इसके अलावा 1 कंपनी रेड सेक्शन हमारी जो स्टेट प्लान PAC है उसकी तैनाती की गई है और 1364 लगभग होमगार्ड PRD की तैनाती है। इसके अतिरिक्त बंदरों का वन आरक्षी की भी तैनाती की गई है और अब सारी पोलिंग पार्टीज जो रवाना हो जाएंगी अपने गंतव्य में पहुँच जाएंगी। सुरक्षा व्यवस्था के लिए हमने पूरा प्रॉपर चार्ट बना रखा है। सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स और जोनल पुलिस ऑफिसर्स भी लगातार जो है वो अपनी पोलिंग पार्टीज का सुपरविजन कर रहे हैं और जो है उसके बाद जब एक बार मूवमेंट हो जाएगा तो उस हिसाब से 2022 विधानसभा चुनाव के लिए 14 फरवरी को होने जा रहे मतदान के लिए पोलिंग पार्टियों की रवानगी जारी है। अल्मोड़ा जिले की 6 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 911 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और 238 दूरस्थ पोलिंग बूथों के लिए शनिवार को पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई थी, जबकि नजदीकी पोलिंग बूथों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं। SSP अल्मोड़ा मंजूनाथ TCA पोलिंग पार्टी की रवानगी का जायजा लेने पहुंचे और इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी और SSP ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान करने की बात करते हुए आमजन से मतदान करने की अपील भी की। तो 6 विधानसभा क्षेत्रों के लिए
पोलिंग पार्टियां रवाना हुई और साथ ही SSP भी वहां पर पहुंची और जाके जायजा लिया और साथ ही लोगों से अपील भी की कि ज्यादा से ज्यादा लोग पोलिंग बूथों पर पहुंचकर मतदान करें। कुल 48 वल्नरेबल है और 8 क्रिटिकल बूथ्स है, तो उन सब जगह पे मानक के हिसाब से CAPF और PSC का आर्म्ड कांस्टेबल्स को हमने तैनात कर रखा है। उसके अतिरिक्त प्रत्येक जोन में जोनल पुलिस अधिकारी को हमरा फोर्स की तरह काफ़ी मतलब पर्याप्त मात्रा में हमने फोर्स भी दे रखा है, मिक्स ऑफ लोकल एंड आउटसाइड फोर्सेस को। जोनल मैजिस्ट्रेट को अलग से हमरा दे रखा है। थाना लेवल की QRT में हमारा काफ़ी भारी पर्याप्त मात्रा में हमारा फोर्सेस है। प्रत्येक राजपत्रित पुलिस अधिकारी रहते हैं ना, उनके साथ भी एक एक हाफ ऑफ सेक्शन CPMF है एज अ रेस्पॉन्सिव फोर्स अलॉन्ग विद द हमरा फोर्स। तो इस प्रकार से प्रत्येक विधानसभा का प्रत्येक जोन पर भी बूथों पर तैनात फोर्स के अतिरिक्त भी मोबाइल के रूप में क्विक रिएक्शन के लिए पर्याप्त फोर्स को हमने तैनात किया गया। आप देख पा रहे हैं पार्टियां मूवमेंट हो रही है। तो मैं आपसे अपील करता हूँ, अल्मोड़ा जनपद की सभी जनवासियों से, सभी जन से अपील करता हूँ कि प्लीज़ भारी मात्रा में बाहर आइए, आप अपना मतदान का अधिकार का प्रयोग करिए। धन्यवाद। चमोली जिले में पुलिस विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। SP कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार आचार संहिता लागू होने से अब तक चमोली पुलिस ने 760 लीटर अवैध शराब जब्त की है और साथ ही 8,50,000 की अवैध नकदी भी बरामद की है। साथ ही पुलिस लगातार सघन चेकिंग अभियान चला रही है। विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्वक सम्पन्न कराने के लिए 5 लोगों को जिला बदर भी किया गया है, तो वहीं कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं कई लोगों के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और लगातार पुलिस सक्रिय नजर आ रही है। जिस दिन आचार संहिता लागू हुई थी, हमारे 7 जो इंटर डिस्ट्रिक्ट बैरियर्स हैं उन्हें ऑपरेशनल कर दिया गया था। उसमें हमारी टीम्स तैनात की गई थी और इसके अतिरिक्त हमारी FST SST टीम्स भी जो हैं वो लगातार 24 घंटे जो हैं अपनी ड्यूटी पे तैनात थी और लगातार चेकिंग की कार्रवाई की जा रही थी। 760 लीटर से ज़्यादा जो है अवैध शराब की बरामद की गई। इस दौरान 8.5 लाख से ज़्यादा जो है वो कैश जो लिया देखा जा रहे थे और उसके बारे में वो प्रूव नहीं कर पाए, कैश सीज किया है। इसके अलावा NTPS एक्ट के तहत भी जो है कार्रवाई हुई है, चरस और स्मैक जो है वो हमने सीज़ किया। तो पुलिस जो है उन्होंने काफ़ी 116 में भी कार्रवाई की है और 5 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको जिला बदर किया गया। गुंडा एक्ट के तहत 7 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो एक निरोधात्मक कार्रवाई जो पुलिस द्वारा की गई है लगातार, उससे एक अच्छा माहौल है। बागेश्वर जनपद में विधानसभा निर्वाचन के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 14 फरवरी को जिले के 2 विधानसभा सीटों के लिए 376 मतदान केंद्रों में वोट डाले जाएंगे। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान संपन्न कराने के लिए 1,744 मतदान कर्मियों की तैनाती भी की गई है। इसमें पीठासीन प्रथम द्वितीय मतदान अधिकारी सहित रिजर्व कर्मचारी शामिल है। जिले में 5 आदर्श और 2 सखी बूथ भी बनाए गए हैं। ये हमने पूरी जो है तैयारी कल के लिए हमने कर ली है और इसमें जो हमारी टीम जो डिस्पैच होनी थी, कुछ हमारी P-2 में टीम डिस्पैच होनी थी, 14 टीमें थी, वो ऑलरेडी जो है अपने पोलिंग स्टेशन पे पहुंच गए हैं और बाकी जो हमारी 362 हमारी जो टीम से उसकी रवानगी आज होनी थी। तो ऑलरेडी मैक्सिमम हमने यहाँ पे सभी को EVM से वगैरह प्रोवाइड करवा दिया है और सभी ने वो चेक वगैरह करके यहाँ पे मैक्सिमम जो है हमारी टीम से जो है रवाना भी हो चुकी है। मद्देनज़र जो है हमने सभी बूथों पे और जितने भी हमारे मोबाइल पार्टीज़ हैं, प्लस सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं, जोनल मजिस्ट्रेट्स हैं, सबके साथ हमने पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा बल तैनात किया हुआ है। कुल मिलाकर के लगभग 1600 से ज़्यादा का हमारा सुरक्षा बल हमने इस मामले में पूरा तैनात किया हुआ है। डिप्लॉयमेंट पिछली बार से जो काफ़ी ज़्यादा है, अधिक से अधिक सुरक्षा देने के लिए, लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में CPMF और IRB की भी हमारे पास कंपनी हमारे अवेलेबल है, जिनका अभी तक हमने सब जगह पर रूट मार्च इत्यादि करवाया है और वर्तमान समय में वो पोलिंग में हमें सपोर्ट करेंगे। पोलिंग बूथ पे जो है भी उनकी तैनाती करी है, खासतौर से जो वल्नरेबल एरिया हैं वहाँ पर भी हमने एक्स्ट्रा फोर्स के रूप में सुरक्षा बलों को तैनात किया हुआ है। गदरपुर विधानसभा उस वक्त चर्चा में आ गया जब BJP और कांग्रेस प्रत्याशी समर्थकों ने एक दूसरे पर लोगों को पैसे देने का आरोप लगाया। कांग्रेस के त्रिनाथ विश्वास ने बताया कि जब प्रचार का वक्त खत्म हो गया उसके बाद BJP समर्थक कुछ गाड़ियों में मीट और पैसे लेकर आए और गांव में बांटने लगे, मगर लोगों ने
उनको पकड़ लिया, बाद में पुलिस आने पर उनको छोड़ा गया। कांग्रेसी वालों को पक्का पता है कट्टरी बीजेपी होगा। मेरे को रात देके जाते हैं एक लिफाफा जिसको फाड़ के देखता हूँ कि 21,000 रुपये। मैं लेता नहीं हूँ, मना करता हूँ, कहता नहीं रख ले अपने लड़कों को खिलाना पिलाना, इसको रख ले। कौन देखे गया था? नाम मेरे पड़ोसी है डॉक्टर साहब। नाम बताइए। मेरे अंकल जी डॉक्टर कुलवंत जी। और उसमें जो है आधे घंटे बाद आके कहता है कि वो लिफाफा वापस कर। मेरे दिमाग में ये आया कि लिफाफा ये देके क्यों मांग रहे हैं वापस। मैंने कहा ये पैसा मैंने बांट दिया लड़कों को। बोले क्यों बांटा, ये मेरा नहीं है, महाजन को देना था, वो पैसा वापस करो। मैं देता नहीं हूँ, मैं सीधा घर चला जाता हूँ। उसके बाद घर जाके गाली थोड़ा सा कहते हैं कितने वोट है तेरे, जो 21,000 से तेरे को वोट खरीदना पड़ेगा, इतने वोट नहीं है तेरे पास, 21,000 रुपये का वोट देना पड़ेगा। कल जगदीशपुर खालवाड़े में एक बोलेरो गाड़ी आई थी, हमारे बीजेपी कार्यकर्ता थे, जिसपे ब्लड ही ब्लड था, जैसे मुर्गा काट के बोरियों में भर के ले जा रहा था। उस पर गाँव के लड़कों ने पकड़ लिया और फिर उनको बैठा दिया गया। फिर पुलिस प्रशासन आने के बाद ही उनको छुड़वाया गया। ये बीजेपी भारी मतों से हार रही है। अब उनके पास दारू, मीट, कपड़े, पैसा बांटने के अलावा कुछ नहीं रह गया, अस्तित्व ख़त्म है। ये लोग कहते हैं कि हम ने विकास किया है। अगर विकास किया होता तो ये दारू, मीट, पैसा, कपड़े बांटने की ज़रूरत क्या थी? विकास के मुद्दे में चुनाव लड़े। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।